फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टैक्स ऑन। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया अमर ऑटो कांतिनगर। आप मेरे पीछे बाइक देख रहे हैं, यह है हेलिकन ग्रे। गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और जो इसके साथ और ये जो कलर है दोस्तों, काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक अलग ही रेट्रो लुक इस गाड़ी के साथ निकल के आ रही है। तो आज की वीडियो में इसी बाइक को हम कवर करने वाले, कंप्लीट वॉकराउंड देंगे आपको इस गाड़ी के फीचर के बारे में, बताएंगे क्या खासियत है इस गाड़ी में, सब कुछ आपको बताएंगे, क्या प्राइस होगा, क्या अवेलेबिलिटी होगी, तो सब कुछ आपको आज इस बाइक वीडियो में दोस्तों बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी जानकारी भी स्किप हो जाएगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, तो आप पहले इन्जॉय करिए इस गाड़ी के कुछ सिनेमेटिक शॉट, और उसके बारे में देते हैं आपको इस गाड़ी की एक कंप्लीट डिटेल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह फ्रंट से। आज जो हमारे साथ कलर ही है हेलिकन ग्रे, और आप देख सकते हैं गाड़ी दिखने में काफ़ी सिंपल और काफ़ी सोबर लग रही है। आप ही कह सकते हैं इस गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा रेट्रो लुक निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये अकेले ऐसा कलर है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे सोबर लगा, काफ़ी सिंपल लगा, और एक काफ़ी ज़्यादा रेट्रो लुक इसके साथ आ रहा है दोस्तों। तो आपका क्या ओपिनियन है इस गाड़ी के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो चलिए करते हैं आज का वॉक अराउंड स्टार्ट इस गाड़ी के साथ। जैसा आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था दोस्तों, काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश आपको इसके ऊपर देखने को मिलने वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्क्रू भी चेंज कर दिया गया, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर हेडलाइट की बात करें दोस्तों, तो हेडलाइट दिखने में आपको सेम लगेगी, वही सेम आपको क्रोम टच इसमें देखने को मिलेगा, और वही 7 इंच की आपको इसमें राउंड हेडलाइट देखने को मिलेगी। लेकिन आपको जहाँ चेंज नज़र आएगा, आप देखेंगे इसमें रिफ्लेक्टर को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, और जो ग्लास है इसको भी कम्प्लीटली क्लियर कर दिया गया है। इससे पहले ग्लास आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से आता था दोस्तों। तो चेंजेस के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, अंदर जो रिफ्लेक्टर है वो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जो ग्लास है उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो ग्लास यहाँ पर क्लियर नहीं है। लेकिन जो आपको नई क्लासिक में आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर, आप देख सकते हैं वो चेंज है, और ऊपर से ग्लास आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। और अंदर अगर अब हम बल्ब की बात करें, तो बल्ब भी आपको म्यूटर की तरह इसमें मिलने वाला है, हेलोजन बल्ब आपको इसमें मिलेगा, और बल्ब के ऊपर आपको आरी की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ चेंजेस थे इसके हेडलाइट के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर भी यहाँ कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। अगर आप इस प्लास्टिक का पैटर्न देखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको राउंड पैटर्न देखने को मिलेगा, जो पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंडिकेटर पहले से ज़्यादा स्लिक कर दिए हैं और पहले से ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। कुछ मॉडल के साथ आपको यहाँ पे क्रोम देखने को मिलेगा, और कुछ मॉडल के साथ आपको ब्लैक इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं पहले से चेंज कर दिए गए हैं कम्प्लीटली। आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार मैं दोबारा से पैटर्न आपको क्लोजअप दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो ये हो गई इंडिकेटर्स की बात। अब बात करते हैं इसके फ्रंट फोक्स के बारे में। तो दोस्तों, आरी ने अपनी नई क्लासिक में फोक्स के ऊपर भी काम किया है। पहले जो फोक्स आते थे क्लासिक में वो 35 mm के आते थे, लेकिन अब नई क्लासिक के अंदर 41 mm के फोक्स आ रहे हैं।
अब नई क्लासिक में जो फोक्स हैं दोस्तों पहले से ज़्यादा हैवी हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा स्टडी हो चुके हैं और पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको नई क्लासिक के साथ मिलने वाली है। BS6 गाड़ी तो डेफिनेटली आपको शोकर्स पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टायर के बारे में, तो टायर साइज में नई क्लासिक में दोस्तों चेंज हो चुका है। वैसे आपको इस गाड़ी में C8 के टायर देखने को मिल जाएंगे। और बात करें दोस्तों इस गाड़ी के टायर के साइज़ के बारे में, तो मैं आपको दोस्तों क्लोजअप दिखाना चाहूँगी, देख सकते हैं 190/19। अब जो फ्रंट टायर है वो 100 सेक्शन में आएगा और जो टायर है वो 19 इंच का ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब बात कर रहे हैं दोस्तों इसके फ्रंट डिस्क के बारे में, तो फ्रंट डिस्क 300 mm की है और साथ ही आपको ABS के प्लेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये गाड़ी दोस्तों ड्यूल चैनल ABS के साथ इक्विप्ड है। केवल रेडी सीरीज में ही दो मॉडल आते हैं जो सिंगल चैनल ABS के साथ आते हैं, अदरवाइज़ कम्प्लीट जो रेंज है आ रही वो ड्यूल चैनल ABS के साथ ही दोस्तों आती है। दोस्तों अगर बात करें इसके कैलिपर के बारे में, तो बाइब्री के कैलिपर आपको देखने को मिल जाएंगे, डबल पिस्टन कैलिपर आपको देखने को मिलेंगे और पहले से ज़्यादा अच्छी बाइट अब आपको RE में मिलने वाली है। जो ब्रेकिंग सिस्टम है पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप दोस्तों ये लेग गार्ड देख रहे होंगे, ये आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एसेसरीज, आप इसको अलग से परचेस कर सकते हैं। तो आप एक लुक के तौर पे देख सकते हैं कि ये लेग गार्ड इस गाड़ी के साथ किस तरह से लुक दे रहा है और आपको यहाँ पे RE की बैचिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो दिखने में लेग गार्ड दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और काफ़ी ये भी अच्छा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेट्रोल टैंक के बारे में, तो सबसे पहले मैं इसकी कैपेसिटी के बारे में आपको बता दूं, जो पेट्रोल टैंक है वो 13 लीटर का आपको नई क्लासिक में मिलने वाला है। इससे पहले जो क्लासिक आते थे उसमें पेट्रोल टैंक जो है 13.5 लीटर का आता था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी को घटाकर इसको 13 लीटर का पेट्रोल टैंक कर दिया है। साथ में आप इसके ऊपर इसकी ग्राफिक्स देख सकते हैं, तो ग्राफिक्स आपको बिल्कुल नई तरह की इसमें देखने वाली है और जो इसमें लोगो लग रहा है आपको 3D लोगो देखने को मिलेगा, जो कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप जो इसके ऊपर पेंट क्वालिटी देख रहे हैं, इसकी फिट एंड फिनिश देख रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बात करें दोस्तों गाड़ी के फ्यूल कैप के बारे में, तो इसका भी डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज कर दिया, ये भी पहले से ज़्यादा स्लीक हो चुकी है और देखने में पहले से ज़्यादा इम्प्रूव लग रही है और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ दोस्तों मेल्ट हो रही है। तो पहले से ज़्यादा यहाँ भी आपको एक अच्छा टच दिखने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टैंक पैड भी देखने को मिल जाएंगे, लुक देखने में आपको एग्जैक्ट सेम लगेगी, लेकिन जो उसके ऊपर ग्राफिक्स है, जो नए 3D एनवेलम है, जो 3D लोगो आप इसको कह सकते हैं, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी लुक इसके साथ निकल कर आ रही है दोस्तों। अब बात कर रहे थे दोस्तों गाड़ी के इंजन के बारे में, तो वही ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन आपको इसमें मिलने वाला है, जो इससे पहले आपने मेटियोर में देखा होगा। अगर गाड़ी के पावर फिगर की बात करें दोस्तों, तो 20.2 BHK पावर जनरेट करता है 27 Nm टॉर्क के साथ। काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन आपको इस गाड़ी में मिलने वाले दोस्तों। और साथ ही बात करें इसके चेसिस की, तो एक कम्प्लीटली न्यू डबल क्रेडल फ्रेम आपको इसमें मिलने वाला है। नई चेसिस की वजह से भी दोस्तों आपको इस गाड़ी में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम मिलने वाली है, आप कह सकते हैं इसमें आपको वाइब्रेशन ना के बराबर ही मिलेंगे दोस्तों। तो ये सब कुछ जानकारी थी इसके इंजन के बारे में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं साइड पैनल के बारे में। अगर साइड पैनल की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो गाड़ी का कलर है वही आपको पैनल के ऊपर दोस्तों मिल जाएगा, लेकिन ये जो पैनल है दोस्तों ये फाइबर के हैं, अब आपको यहाँ पे मेटल के पैनल देखने को नहीं मिलेंगे। और बात करें इसके ऊपर स्टिकर के, तो आप देख सकते हैं क्लासिक 350 के स्टिकर आपको इस पर देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, तो ये देख सकते हैं इसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी तामझाम है इसके अंदर सारा फिक्स कर दिया है RE ने। अब जो आप देख सकते हैं गाड़ी में आपको इधर उधर कोई वायरिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स थी इसके अंदर आपको फ्यूज़ वगैरह सब इस आप पैनल के अंदर ईजिली मेनटेन कर दिया है RE ने। बात कर लेते हैं दोस्तों गाड़ी के नए साइलेंसर के बारे में, तो इस गाड़ी के लिए कंपनी ने एक कम्प्लीटली न्यू साइलेंसर को डिज़ाइन किया। आप देख सकते हैं साइलेंसर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, आप कह सकते हैं इसकी जो फिट एंड फिनिश है, क्रोम की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हीट शील्ड देख सकते हैं और सेकेंड हीट शील्ड आप यहाँ से लेके आगे तक देख सकते हैं, तो डबल हीट शील्ड आपको इस साइलेंसर में मिलने वाली। ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं पहले से ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया, लेकिन जो गाड़ी जो साइलेंसर की लुक और फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है दोस्तों। अब बात कर रहे थे दोस्तों गाड़ी के रियर डिस्क के बारे में, तो रियर में आपको 270 mm की डिस्क देखने को मिल जाएगी और साथ ही आपको यहाँ पर ABS का प्लेट दिख रही होगी। तो ये जो गाड़ी दोस्तों ड्यूल चैनल के साथ इक्विप्ड है। और बात करें इसके रियर शॉकर बारे में, तो अब आपको रियर में गैस चार्ज शॉकर देखने को नहीं मिलेंगे, अब आपको रियर में एक नॉर्मल कन्वेंशनल शॉकर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और साथ ही आपको यहाँ पे ये ब्लैक कलर में एक हुक मिलने वाला है, जो कि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है। जब आप गाड़ी को स्टैंड पे करेंगे, पीछे करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट दोस्तों आपके लिए रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गाड़ी के सीट के बारे में, तो सीट आप देख सकते हैं बिल्कुल नए डिज़ाइन, एक नया पैटर्न सीट में दिया गया है इस गाड़ी के साथ। सीट की जो कुशनिंग है, डिज़ाइन है, कम्प्लीटली उसको चेंज कर दिया गया है।
और यहाँ पे आपको जो सीट है वो 10 कलर में मिलेगी, जो कि इस कलर के साथ काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। तो सीट बिल्कुल चेंज कर दी गई है, लुक एंड फील इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और देखने में दोस्तों सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी लग रही है। हालांकि इसमें अब आपको स्प्रिंग मैकेनिज्म नहीं मिलता है, लेकिन सीट पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है और पहले से ज़्यादा चेंज कर दी गई है, लुक आप देख सकते हैं। और ये आप जो यहाँ पे स्टिचेस देख रहे हैं दोस्तों, तो इसकी जो इससे लुक है और काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रहे हैं। तो ये एक आप एक सीट की लुक कंप्लीट दोस्तों देख लीजिए। अगर आपको इस सीट से कोई शिकायत है दोस्तों, तो एज एन एसेसरीज में आपको लो राइडर सीट भी मिल जाएगी और साथ ही आपको टूरिंग सीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो आप वो भी परचेज़ करके गाड़ी के साथ लगा सकते हैं दोस्तों। और बात करें दोस्तों ग्रैब रेल की, तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल यहाँ पे ग्रैब रेल आपको देखने को मिलेगी। एक रॉड टाइप आपको यहाँ ग्रैब रेल देखने को मिलेगी, लेकिन देखिए ग्रैब रेल काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल यहाँ लग रही है और काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी दोस्तों। जो इससे पहले आपको क्लासिक में ग्रैब रेल मिलती थी, उससे काफ़ी ये ग्रैब रेल अच्छी और काफ़ी अपना बेहतर है और उससे ज़्यादा बेहतर देखने में लग रही है। देखने में आपको सिंपल लगेगी, लेकिन ये अपना काम जो है दोस्तों बखूबी कर रही है और काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी ये देखने में लग रही है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं इसके रियर सेक्शन में, तो रियर सेक्शन के फेंडर पे आप देख सकते हैं ये स्ट्राइप आपको देखने को मिलेगी। उसके ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो देखने को मिल जाएगा ब्राउन कलर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है दोस्तों। और बात करें इसके टेल सेक्शन में टेल लाइट की, तो आप देख सकते हैं टेल लाइट के डिज़ाइन को भी कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज कर दिया गया। एक कम्प्लीटली न्यू टेल लाइट आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि टेल लाइट को राउंड ही रखा गया है, लेकिन इसके डिज़ाइन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। मैं आपको इंडिकेटर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, इसका भी डिज़ाइन चेंज कर दिया है, इसको भी पहले से ज़्यादा कॉम्पैक्ट और पहले से ज़्यादा स्लीक कर दिया है दोस्तों। पहले से इंडिकेटर अब छोटे हो गए हैं, लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और टेल लाइट की बात करो दोस्तों, तो टेल लाइट में भी आपको बल्ब का ही ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। पूरी गाड़ी में एलईडी का इस्तेमाल दोस्तों कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टेल लाइट में भी आपको बल्ब देखने को मिलेंगे और इंडिकेटर्स में भी आपको बल्ब ही देखने को मिलेगा। और हेडलाइट में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं दोस्तों, लेकिन यहां पे आप जो ये राउंड में ये क्रोम टच देख रहे हैं, इसकी वजह से जो टेल लाइट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों गाड़ी के अदर साइड के, तो यहाँ पे आप ये साड़ी गार्ड देख रहे हैं। आप लोगों को पता ही है इंडिया में साड़ी गार्ड के बिना गाड़ी आप सेल नहीं कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे सेकंड हुक देखने को मिल रहा है, तो दोनों साइड आपको ये ब्लैक हुक देखने को मिल जाएगा। और बात करें दोस्तों रियर टायर के बारे में, इसके साइज के बारे में, तो कंपनी सीएट के टायर आपको मिलेंगे। और साइज़ की बात करूँ दोस्तों, तो 120 सेक्शन का आपको टायर मिल जाएगा। जो पिछला टायर है वो आपको 18 इंच का देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों गाड़ी के फुटपैक की, तो आपको मैंने बताया था फुटपैक पे भी आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और दिखने में फुटपैक काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब बात कर रहे हैं दोस्तों गाड़ी के स्विच एंड बटन्स के बारे में, तो आप इनसे ऑलरेडी फैमिलियर हैं। पहले सबसे पहले इनको एमेट्योर में इंट्रोड्यूस किया था, रोटरी डायल स्विच इनको कहा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो वही सेम स्विचेस आपको क्लासिक में देखने को मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, और राइट में आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच और सेम बटन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे हज़ार्ड का बटन देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी में हज़ार्ड सिस्टम दोस्तों इनबिल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं स्विचेस की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश आपको मोटर की जैसी सेम देखने को मिलने वाली है। और ग्रिप की बात करूँ तो ये भी इसको भी चेंज कर दिया गया है, या ग्रिप की क्वालिटी भी आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलने वाली है। अब इसमें आपको बार एंड मिरर की जगह आप देख सकते हैं ये क्रोम फिनिश टच पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा एनहांस कर रहा है दोस्तों। अब बात करें इसके हैंडल के बारे में, तो हैंडल भी आपको इसमें क्रोम में ही देखने को मिलेगा, लेकिन हैंडल का डिज़ाइन भी पहले से चेंज कर दिया गया। इस हैंडल की पोजीशन भी दोस्तों थोड़ा सा फॉरवर्ड किया गया, ताकि आपको इसकी सिटिंग पोजीशन है और काफ़ी ज़्यादा पहले से बेटर मिले, और जो इसकी राइड क्वालिटी है वो भी आपको पहले से बेटर मिलने वाली दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताते हैं, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा पॉपुलर फीचर इस क्लासिक के लिए अभी तक रहा है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा इसको पसंद भी किया गया। आप देख सकते हैं अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल देखने को मिलने वाला है। तो ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं, इसमें आपको कम्प्लीट डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, और ये जो एनालॉग पार्ट है पहले से आप देख सकते हैं दिखने में आपको कम्प्लीटली चेंज मिलने वाला है। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ, तो इस तरह से कुछ आपको लुक मिलने वाली जब आप ऑन करेंगे। और यहाँ पे आपको न्यूट्रल के लाइट, बैटरी, एबीएस और फ्यूल इंडिकेशन सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप एक बार देख सकते हैं इसके लुक को, और जो नीचे जो आप देख सकते हैं डिजिटल पार्ट है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा। तो पहली बार रॉयल एनफील्ड में आपको ये फंक्शन देखने को मिलेगा। अब फ्यूल गेज आपको रॉयल एनफील्ड में डिजिटली आप देख सकते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं नीचे आपको ऑडो, आपकी गाड़ी कितनी चली है ऑडो आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिप आप देख सकते हैं, टाइम, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ये आपकी टाइमिंग। फिर तो इस तरह से आप इस बटन के थ्रू यहाँ पर आप अपनी
फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ रखना चाहें वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ लुक आ रही है इस मीटर की। तो पर्सनली मुझे मीटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इसके साथ ये जो क्रोम टच दिए गए इसकी वजह से ये मीटर के साथ दोस्तों काफ़ी प्रीमियम फील देखने को मिल रही है। और ये जो साइड में आप ये जो दोस्तों पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आप ट्रिपर नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा एज एन एसेसरी के तौर पर परचेज़ करना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं अदर फीचर के बारे में। अब आप देख सकते हैं, अब आप हैंडल से ही गाड़ी को ऑफ करने के बाद अपना हैंडल से ही आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको चाबी निकाल कर साइड में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कन्वीनियंट फीचर अब आपको क्लासिक में हैंडल्स पे ही दोस्तों दे दिए गए हैं। तो रॉयल इनफील्ड ने अपनी क्लासिक को काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट, काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच और पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और एक काफ़ी अच्छी गाड़ी बनाने की कोशिश की है दोस्तों। और रॉयल इनफील्ड इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। तो एक काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन रॉयल इनफील्ड मार्केट में दोबारा से लेकर आई है क्लासिक के तौर पर दोस्तों। तो ये एक कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अब मैं आपको एक फीचर और दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। अब आपको क्लासिक के अंदर इनबिल्ट चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा। ये फीचर भी कंपनी ने इसमें ऐड कर दिया है, पहले ये मेट्योर में आता था, अब क्लासिक के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक और फीचर आपका क्लासिक के अंदर ऐड हो गया है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर कंपनी ने इसमें ऐड किया है। तो ये थी कम्प्लीटली इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो अदर फीचर इसके कंपनी ने दिए, तो उसकी डिटेल मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दी है। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं नीरज जी। नीरज जी अमर ऑटो गांधीनगर में मैनेजर हैं। अगर आपको किसी भी बाइक के बारे में जानकारी चाहिए, आपकी कोई भी क्वेरी या फिर आप रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो नीरज जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको शोरूम का एड्रेस मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने मैंशन कर दिया है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं तो नीरज जी आपकी कंप्लीटली हेल्प करेंगे। और आप चाहें तो शोरूम पर विजिट कर भी सकते हैं, तो आपको ज़्यादा हेल्प आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप प्रोडक्ट से भी रूबरू हो सकते हैं और प्रोडक्ट के बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं। तो नीरज जी थैंक यू हमें अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप आपसे करेंगे जी। तो हाल ही में रॉयल इनफील्ड ने अपनी क्लासिक को एक नए रंग रूप में लॉन्च किया है, आप कह सकते हैं कम्प्लीटली नई बाइक है। तो हमारे काफ़ी दर्शकों का, काफ़ी दोस्तों का ये सवाल है कि उसकी एबिलिटी के बारे में बताइए, अगर वो गाड़ी परचेज करना चाहे तो कितने दिन में उन्हें गाड़ी परचेज वो खरीद सकते हैं, या और बाइक का क्या प्राइसिंग है? देखिए सर, प्राइसिंग में तो बताया दूँ कि कुछ अलग अलग वेरिएंट्स हैं अभी जो हम लोगों ने निकाले हैं, जिसमें अभी कुछ डबल डिस्क वेरिएंट्स तो आपको मिल जाएंगे। ओके okay. कुछ एक गाड़ियाँ जो है रेडी अवेलेबल भी हैं हमारे पास okay. कुछ कलर्स उसमें, तो वो तो अभी आपको हाथ के हाथ मिल सकती है। अदरवाइज जो कलर्स अभी अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं होगा, उन पर हम लोग अभी 60 डेज़ की वेटिंग बोल रहे हैं। ओके okay. तो जो आप MTS गाड़ियाँ कराएंगे उसमें 60 डेज़ की वेटिंग रहेगी नॉर्मली, और हो सकता है उससे पहले भी कुछ हो, क्योंकि बुकिंग्स बहुत सारी बुकिंग्स आती हैं और कई बार किसी कंडीशन से किसी की बुकिंग का ड्रॉप होती है, तो उनको भी जल्दी गाड़ी मिल जाती है कस्टमर्स को, तो वो चीज़ रहेगा। बाकी जी प्राइस रेंज की आप बात कर रहे थे, तो ओवरऑल नीरज जी आप ये कहना चाहते हैं अगर जो कस्टमर कलर मांग रहा है वो शोरूम पे अवेलेबल है, तो हो सकता है दोस्तों आप हैंड टू हैंड भी गाड़ी खरीद सकते हैं, और टोटली डिपेंड करता है शोरूम पर कि क्या स्टॉक अवेलेबल है। अगर गाड़ी अवेलेबल है तो आप हैंड टू हैंड ले जा सकते हैं, और अगर आपका मनचाहा कलर उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो आप ये मान के चले कि मैक्सिमम टाइम पीरियड नीरज जी आपको बता रहे हैं 45 से 60 दिन का वो जो ले रहे हैं, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि गाड़ी आपको हफ्ते भी मिल जाए, 15 दिन भी मिल जाए, जैसे स्टॉक आता है आपको गाड़ी जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे नीरज जी। तो ये एक, और अब बात करते हैं तो नीरज जी प्राइस के बारे में, प्राइस अब आप बता सकते हैं। जी मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जिसमें प्राइस रेंज स्टार्ट हो रहा है, मैं एक शोरूम की बात करूँगा सर जी, जो उसका एक शोरूम स्टार्ट होगा जो सिंगल डिस्क में भी कुछ कलर्स आएंगे, तो अप्रॉक्स एक शोरूम रहेगा 1,84,374 रुपीज़। ओके ठीक है सर, जो बिल्कुल लोएस्ट हो गया। और जो हाईएस्ट हमारा है जिसमें हम क्रोम की बात करें, क्रोम आ रहा है उसके अंदर टॉप मॉडल, जो टॉप मॉडल है हमारा, उसका एक शोरूम रहेगा सर 2,15,118। ये थोड़ा सा एक चीज़ हो गया, थोड़ा सा ऑनलाइन कुछ कहीं शायद गलत प्राइस आ गया था, कुछ कस्टमर बड़े कंफ्यूज थे जी, जी उनके बड़े कॉल्स आए कि इसका प्राइस तो 2,51,000 एक्स शोरूम बता रहे हैं। हाँ जी, तो कहीं कुछ शायद एरर हो गया था, बट इसका एक्चुअल जो प्राइस है एक्स शोरूम वो 2,15,000। बिल्कुल सही कहा, जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो सेम डे प्राइस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हुआ था, तो सब लोग उस प्राइस को एक्स शोरूम ही मान के चल रहे थे। तो ये कन्फ्यूजन नीरज जी मेरे साथ भी होता है, जब मैंने वो प्राइजेस देखे थे मुझे लगा तो गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस के साथ लॉन्च की गई है इस बार, लग रहा था
लेकिन गाड़ी नहीं काफ़ी अच्छी नीरज जी, आपने टेस्ट ड्राइव किए तो कुछ अपना ओपिनियन दीजिए, अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा इसको चला के, जो फील हुआ है एकदम स्मूथनेस आपको बहुत मिलेगी, जो वाइब्रेशन का, जो कई कस्टमर्स आते हैं कहते हैं वाइब्रेशन, मैं ऑलरेडी क्लासिक यूज़ करता हूँ तो अब जब मैं अब इस बाइक को मैंने चलाया तो कोई वाइब्रेशन नहीं महसूस हो रही। इनिशियली पिकअप बहुत अच्छा मिल रहा है गाड़ी के अंदर, ब्रेकिंग बहुत अच्छी मिल रही है, क्लच लीवर और एक बहुत ही प्रीमियम फिट एंड फिनिश के साथ में है गाड़ी, तो चलाने का फील बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, गाड़ी की जो फिट एंड फिनिश है काफ़ी अच्छी है और एक प्रीमियम लुक निकल कर आ रहा है गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपको पता है इसमें फैमिलियर मीटियर वाला इंजन है, तो मीटियर के साथ ही कंपनी ने वाइब्रेशन का जो इशू था वो रिजॉल्व करना चालू कर दिया था और आप कह सकते हैं मीटियर से ज़्यादा रिफाइंड ये बाइक आपको लगने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी बताया कि एक्चुअली ये बिल्कुल न्यू बाइक है, सेम डिज़ाइन के साथ में न्यू बाइक है, इसमें एक एक चीज़ चेंज है, आपको कुछ भी सेम नहीं मिलने वाला है इसमें। बिल्कुल सर, इनिशियली आप छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे ना, जैसे कि अभी आप देखते थे क्लासिक में इग्निशन अलग ऑफ करते थे, आप हैंडल लॉक के लिए आपको झुक के साइड में लगाना पड़ता था, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिए सेम डिज़ाइन के साथ, वही लॉक है, इग्निशन वही है बट वहीं से हैंडल लॉक, वही सब चीज़ मैंने आज वीडियो में अपने बताया अपने दर्शकों को कि गाड़ी को अब काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट कर दिया है, कुछ ऐसे फीचर दिए जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थे और कुछ ऐसे फीचर भी आ गए जो कन्वीनियंट है, लेकिन कंपनी हमें उम्मीद नहीं थी कि कंपनी ये फीचर्स भी इस गाड़ी में ऐड कर सकती है। बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, सीट्स को आप देखें तो सीट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सॉफ्ट सीट है, आप टूरिंग करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ दिन टूर करके हमें लग रहा है कि नहीं है, और ऑप्शंस दे दिए हैं आपको, सीट हाइट कम करने का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो लो राइट सीट लगा सकते हैं जिसमें आपका 32 mm सीट हाइट कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, तो एक वो बहुत अच्छी चीज़ है जिनकी सीट हाइट, जिनकी हाइट कम है, एक कस्टमर मेरे पास होते हैं कि हमारे हाइट कम है सीट दूसरी लगवानी है, तब वो चीज़ खत्म हो गई है कि दूसरी सीट के लिए जाना है बाहर से कहीं आफ्टर मार्केट कुछ बनाना है, एक टेंशन आप लोगों की खत्म हो चुकी है कि आफ्टर मार्केट आपको प्रोडक्ट खरीदने की अब जरूरत नहीं है, कि रॉयल एनफील्ड ने अपनी खुद अपनी एसेसरीज इतनी एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के साथ रीजनेबल प्राइस के साथ रॉयल एनफील्ड लेकर आया, तो एसेसरीज में आपको टूरिंग सीट बाकी काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज ऑप्शन आपको इस गाड़ी के साथ मिलने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप कंपनी से ही सारी जो एसेसरीज है आप यहाँ पर अवेलेबल आपको हो जाएगी दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा अशोक जी, इसमें जैसे कि अभी तक क्या होता था कि नॉर्मली हमारी जो एक्सेसरीज हम लोग दे रहे थे, जो JMS दे रहे थे उसमें 2 years की वारंटी देते थे क्लासिक जी जी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो रहते हैं, अब हम इसमें आपको 3 years की वारंटी दे रहे हैं, अगर आप कंपनी से एक्सेसरीज खरीद रहे हैं, कोई भी GMS सीट खरीद रहे हैं, लेग गार्ड खरीद रहे हैं, अलॉय व्हील्स खरीदते हैं, जो भी कुछ आप खरीदते हैं तो आपको उसमें 3 years की वारंटी मिलती है, जो कंपनी से वारंटी आपको मिलती है, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटी 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 एक्सेसरीज, हमें उसमें 3 साल की एक वारंटी मिलने वाली है। इसमें सर आपको ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, जैसे कि अब आप बाइक खरीदते हैं तो आप इसमें बाइक में एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर सकते हैं, 3 अलग अलग प्लान आते हैं, आप चाहे तो सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, 3 की जगह 4 हो जाएगा, चाहे तो आप उसे 2 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, 3 की जगह 5 साल हो जाएगा। ओके, किलोमीटर्स 30,000 की जगह 40 या 50,000 किलोमीटर्स हो सकते हैं, रोड साइड सर्विस जो आपने सुना होगा रॉयल एनफील्ड पहले ही साल कॉम्प्लीमेंट्री देता है, तो आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं, उसके लिए भी प्लान है, आप उसको चाहे तो सीधा 2 साल के लिए करा लीजिए, अदरवाइज एक जो थर्ड वारंटी प्लान होता है उसमें आपको पूरे 3 साल के लिए RSC मिल जाता है। ओके, तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, अभी AMC की ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे इसमें, तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, और क्वालिटी के अंदर मैंने बताया आप तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, प्राइस बहुत अच्छे दिए हैं आपको, और मैं आपको बताता हूँ अगर आप इसमें टूरिंग करते हैं ना, अगर आप टूरिंग के पर्पज़ से भी इस बाइक पर लेते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैं इस चीज़ को बोलूँगा क्लासिक नई क्लासिक ने एक्चुअल में मार्केट को बहुत कुछ नया दे दिया है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये गाड़ी काफ़ी अपनी मार्केट दोस्तों पकड़ने वाली है और एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रॉयल एनफील्ड लेकर आ रही है, और काफ़ी अच्छा इस बार क्लासिक के ऊपर रॉयल एनफील्ड ने काम किया है, समय ज़रूर लिया है रॉयल एनफील्ड ने, लेकिन जो प्रोडक्ट सामने आया वो एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे सामने निकल चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ नीरज जी ने आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों का जवाब दे दिया होगा, फिर भी अभी आपको कोई क्वेश्चन बसता है या आपके मन में कोई सवाल है तो आपको, तो नीरज जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट शोरूम पर विजिट कर सकते हैं, शोरूम का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नियर बाय मेट्रो स्टेशन एक बार बता दीजिए सर। ईस्ट आजाद नगर का मेट्रो स्टेशन एक तरफ से पास पड़ेगा, दूसरी तरफ से वेलकम मेट्रो स्टेशन आपको पास पड़ेगा, अगर आप वेलकम आ सकते हैं या फिर ईस्ट आजाद नगर मेट्रो स्टेशन से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ये शोरूम मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सब कुछ था आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपके सारी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो गई होंगी, फिर भी कुछ भी पॉइंट बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट नीरज जी को दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब कुछ था आज की वीडियो में क्लासिक 350 के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।